बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ मैंगो स्वीडिश की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। इससे बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसके लिए हम लेंगे दो बड़े साइज़ के आम। इनके छिलका उतार के इन्हें क्यूब्स में काटेंगे। अब इन आमों को ब्लेंडर में डालेंगे, इस तरह से ब्लेंड करके इनकी प्यूरी बना लेंगे। अब इसकी इनको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब एक बाउल में एक कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए बीट करेंगे। इसकी जगह आप लोग टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही क्रीम बीट होगी, इसमें आधी मैंगो प्यूरी डालेंगे और एक मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अब इसके बाद बाकी बची हुई मैंगो प्यूरी भी डाल देंगे और दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब एक सर्विंग डिश में टी केक के लेयर लगाएंगे। ये टी केक मेरा होममेड है, आप लोग बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैंगो जूस या फिर एक कप मैंगो मिल्क शेक के साथ सोक करेंगे। केक को सोक करने के लिए सिर्फ एक कप ही मैंगो मिल्क शेक या जूस यूज़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। अब इसके ऊपर मैंगो क्रीम का सारा मिक्सचर डाल देंगे। अब इस क्रीम को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला के सेट कर लेंगे। मैंगो क्रीम बनाने के लिए मैंने मैंगो की प्यूरी में 2 मैंगो यूज़ किए थे, आप लोग 2 की जगह 3 मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर कटे हुए आमों की एक लेयर लगाएंगे और इसे अपनी चॉइस के हिसाब से डेकोरेट कर लेंगे। थोड़ी सी क्रीम मज़ीद बीट करके मैंने इसे पाइपिंग बैग में डाल के लाइट सा डेकोरेट किया है। स्वीट डिश को प्रोमिनेंट करने के लिए थोड़ी सी सिल्वर कलर के शुगर बॉल ऐड करेंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारी मैंगो स्वीट डिश तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी आज मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, वो बहुत ही यमी है मैंगो ट्राइफल। सबसे पहले हमने दूध लिया 4 कप, उसमें हसबे ज़रूरत चीनी डालेंगे। मैंने चीनी डाली है तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसे कस्टर्ड हमारा रेडी है, अब इसे ठंडा करते हैं और इतनी देर में क्रीम को व्हिप करते हैं। मैंने यहाँ यूज़ की है 1 कप व्हिपिंग क्रीम, आप इसकी जगह टेट्रा पैक की कोई भी क्रीम एक पैकेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 आम की प्यूरी। एक बड़े साइज़ का आम लेके उसको ब्लेंडर में उसकी प्यूरी बना लें और इसमें डाल दें। लाइट सा इसे मिक्स करेंगे। हमारी मैंगो क्रीम रेडी है, इसे हम डेयरिंग में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर। कस्टर्ड के बाद एक लेयर लगेगी केक की। केक आपकी अपनी चॉइस है, जो उनसे मर्जी डालें, वनीला ले लें, चॉकलेट ले लें। केक के बाद हम लोग क्यूब्स में कटे आम डालेंगे। इसके बाद हम लोग मैंगो क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। मैंगो क्रीम के बाद थोड़े से इसमें वाइट चॉकलेट चिप्स डालेंगे। उसके बाद दोबारा केक की एक लेयर जाएगी। अब इसके बाद कस्टर्ड जाएगा, इसके बाद मैंगो चंक्स जाएंगे, इसमें थोड़े चॉकलेट चिप्स अगेन, और लास्ट में हम लोग इसके ऊपर मैंगो क्रीम की एक लेयर देंगे। मैंगो क्रीम के लेयर के बाद हम लोग इसकी करेंगे डेकोरेशन। उसके लिए मैं इस साइडों पे कोको पाउडर का बॉर्डर बनाऊंगी। मैंगो चंक्स डालेंगे और इसके बाद एंड में हम लोग इसके ऊपर गोल्डन बॉल्स डाल देंगे। डेकोरेशन आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी आप करना चाहें। हमारा मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल तैयार है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने मैंगो क्रीम ऐड की है उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।